शाजापुर से अब बड़ी खबर है। उज्जैन लोकायुक्त ने की है कार्रवाई, सहकारिता उपायुक्त को रिश्वत लेते पकड़ा। समिति प्रबंधकों से 1.25 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। उपार्जन फसल पर प्रति क्विंटल 1 रुपए के हिसाब से रिश्वत ली गई। लोकसभा चुनाव के बीच उज्जैन लोकसभा लोकायुक्त ने शाजापुर में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यहां पर लोकायुक्त ने सहकारिता उपायुक्त आरसी जरिया को 1,15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर आरोपी आरसी जरिया पर कार्रवाई की है। आरोपी ने कृषि उपज की उपार्जन करने वाली समितियों के समिति प्रबंधकों से उपार्जन फसल पर प्रति क्विंटल 1 रुपए के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही थी। उज्जैन लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की, सहकारिता उपायुक्त को रिश्वत लेते पकड़ा। 1,15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। रास्ता खेड़ी से 50,000, केवड़ा खेड़ी से 21,000, मंगला से 9,000, नौलाया से 19,000। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 1,15,000 की आरसी जरिया किसको दिए? आरसी जरिया किस बात के लिए? ये खरीदी के लिए रुपया कुंटल के। आप क्या करते हैं? मैं समिति प्रबंधक हूँ, प्राथमिक कृषि संस्था रास्ता खेड़ी। अच्छा, सभी समितियों से पैसा मांगा? हाँ, सभी। कितना कितना मांग रहे थे? ये 1 रुपया कुंटल के। 1 रुपया प्रति क्विंटल। तो आपसे कितने रिश्वत की मांग हुई थी? 50,000 की। टोटल कितना पैसे दिए आपने? 1,15,000। विश्वकर्मा सर को आवेदन दिया गया एआरसीएस शाजापुर, उनके द्वारा यहाँ जितनी भी समिति है उनसे उपार्जन पर प्रति क्विंटल 1 रुपए की दर से रिश्वत मांगी जा रही है। लोकायुक्त एसपी साहब ने मेरे द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया, सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और आज एआरसीएस भी आरसी जरिया 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रेस किया। जबलपुर से बड़ी खबर है।